गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। नाउ स्टूडेंट, प्लीज इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, परचेज योर बुक, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड वॉट आई एम टीचिंग। सी, दिस इज योर बुक ग्रामर ग्रिप। प्लीज स्टूडेंट, परचेज योर बुक। यस्टरडे आई टॉट यू चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज। मैंने आपको पढ़ा दिया था ए बी सी सी एंड विच वॉज गिवन इन योर बुक। आई थिंक सी वाले में आप सबको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, इसलिए मैं सी वाला पूरा एक्सप्लेन करती हूँ फिर से वर्ड बाय वर्ड। आप उसको बुक में फिल कर लीजिए। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सेकेंड, डज गीता स्पीक फ्रेंच? तो इसको आप क्या करेंगे, गीता स्पीक्स फ्रेंच। फर्स्ट में आप लिखेंगे इस तरीके से पॉजिटिव में, एंड सेकेंड में आप नेगेटिव में इसको लिखेंगे। नेगेटिव में आप लिखेंगे गीता डज नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके, एंड थ्री में, नंबर थ्री, आर दे प्लेइंग इन द असेंबली हॉल? तो इसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन ही है कि एक सेंटेंस दिया है आपको, उसको पॉजिटिव में भी लिखना है और नेगेटिव में भी लिखना है। तो आप थ्री वाले को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में लिखेंगे कैसे, दे आर प्लेइंग इन द असेंबली हॉल। एंड सेकेंड आप नेगेटिव में कैसे लिखेंगे इसको, दे आर नॉट प्लेइंग इन द असेंबली हॉल। नॉट का यूज करके आप नेगेटिव शो करेंगे। ऐसे ही सेम आपको फोर्थ वाला करना है, इज इट अ हॉरर मूवी? तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे, इट इज अ हॉरर मूवी। फिर नेगेटिव में आप नॉट का यूज करेंगे, इट इज नॉट अ हॉरर मूवी। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now look at your book, exercise D, page number 8. यहाँ से हम continue करते हैं। Make questions for the colored word and phrase. मतलब आपको जो color वाले words हैं या phrase हैं वो आपको colored में उसी से related questions बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको पहले पढ़ा दिया है। देखिए फर्स्ट वाला, सुमित वन द इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन। तो आपको क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में बनाना है विद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में तो आप क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे, हु वन द इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन इन विद क्वेश्चन मार्क। आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं। सेकेंड, उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क में बनाने के लिए तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप लिखेंगे विच सिटी ऑफ पैलेस इज कॉल्ड उदयपुर विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही आप 4, 5, 6 खुद से करेंगे बुक में। दिस इज योर होमवर्क। नाउ पेज नंबर 9E, चेंज द क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला, Will she get into trouble? Will she get into trouble? तो कैसे इसने आंसर किया, She will get into trouble. फर्स्ट वाला वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने इसको स्टेटमेंट में बताया। ऐसे ही सेकेंड देखिए, Is she an American? तो आप इसको कैसे करेंगे असर्टिव में, She is an American. ठीक,
ऐसे ही आप 3, 4, 5 ये भी करेंगे कंप्लीट अपनी बुक में. नाउ लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 9, राइट 2 sentences ऑफ ईच काइंड. 2 sentences बनाने हमको किसके, स्टेटमेंट के, इंट्रोगेटिव के, इंपरेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के. तो स्टेटमेंट के हम फर्स्ट सेंटेंस क्या बनाते हैं, राइट इन योर बुक स्टूडेंट एंड लुक एट योर बुक. आई हैव अ ब्लू ड्रेस. ये स्टेटमेंट का हुआ आपका फर्स्ट. स्टेटमेंट का ही सेकेंड आप बनाएंगे, आई एम वॉचिंग अ मूवी. एंड आते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव में. ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे. इंट्रोगेटिव मतलब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और सभी सेंटेंस आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे स्टेटमेंट के, और इन बिट फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव में भी हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से, और लास्ट में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट वाला हम बनाते हैं, आर यू अ गुड गर्ल और बैड गर्ल. आर यू अ गुड गर्ल और बैड गर्ल इन विद क्वेश्चन मार्क. एंड सेकेंड हम बनाएंगे, वेयर डू यू वेंट टू गो टूडे. वेयर डू यू वेंट टू गो टूडे इन विद क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही इम्परेटिव में क्या बनाएंगे हम, तो इम्परेटिव में Bring me a glass of water. ये क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से है, और इन विद फुल स्टॉप. ठीक. एंड डोंट एवर टच माय फोन. सेकंड वाला हम बनाएंगे, डोंट एवर टच माय फोन, मतलब मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ, मेरा फोन मत टच करो, और ये भी लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. एक लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी वो आप अपने से करिएगा. दिस इज योर होमवर्क. थैंक यू.